गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की हमारी पोएम है द स्पाइडर एंड द फ्लाई बाय मैरी बॉथम हॉबिट। बहुत अच्छी पोएम है, एक फेबल है, ये बहुत ही खूबसूरत फेबल है। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको कुछ बता दें। ये पहली बार जो है अपियर्ड हुई थी 1834 में कलेक्शन ऑफ स्केच ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के नाम पे से, ठीक है। उनकी एक हॉबिट की एक पोएम का कलेक्शन है, ठीक है, जो कि कहते हैं सीरीज ऑफ पोएम रिटन टू एजुकेट चिल्ड्रन अबाउट द रियलिटीज ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, कि मतलब कि बच्चों को एजुकेट करने के लिए कि हकीकत में दुनिया कैसी है और लोग कैसे हैं, किस तरह के चेहरे पर चेहरा लगा करके लोग रहते हैं। ये एक कॉशनरी टेल है, चेतावनी वाली, मतलब कहते हैं ना दूसरों को अवेयर करने वाली एक पोएम है, खास करके बच्चों को। हम अपने आसपास में सोसाइटी में रहने वाले जो स्पाइडर लाइक कैरेक्टर्स होते हैं उनसे बच करके रहें, ठीक है। खास करके ये छोटे बच्चों के लिए पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है, लेकिन आजकल के माहौल के हिसाब से ये बड़े बच्चों के लिए भी पोएम है। बड़े बच्चों को भी समझना होगा कि किस तरह की लोग रहते हैं सोसाइटी में। तो ये है, बहुत अच्छी पोएम है, जरा हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। कहते हैं विल यू वॉक इनटू माय पार्लर। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड्स नहीं है इसमें, लेकिन कोशिश किया हमने जो हार्ड वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करने ब्लैक से, इसीलिए सारे अलग अलग स्टेंजास जो है अलग अलग कलर में हमने किए हुए हैं। और ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा कि पोएम आपको कैसी लगी है और जो प्रेजेंटेशन है पोएम का वो कैसा है। विल यू वॉक इन टू माई पार्लर, क्या तुम मेरे पार्लर में आना पसंद करोगी। पार्लर कहने का मतलब ये है वो जगह जहाँ पर स्पाइडर रहा करता है, एक हिसाब से उसका घर समझ लीजिए, कमरा समझ लीजिए। सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई, फ्लाई ने से स्पाइडर ने कहा, कहता है इट इज द प्रेटियस्ट लिटिल पार्लर दैट एवर यू डिड स्पाय। इससे पहले तुमने जहां कहीं पर भी देखा होगा, चुपके से गई होगी, छिप छिपा करके गई होगी, किसी को पता ना चला होगा, उन सारे पार्लर्स में से, उन सारे कमरों में से, उन सारी जगहों में से सबसे खूबसूरत जगह है, जगह है हमारा जहां हम रहते हैं। एंड तो वही कहता है कि रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आइए मेरे रूम में, आइए मेरे घर में, आइए बैठिए, देखिए कितना खूबसूरत जगह है। द वे इनटू माय पार्लर इज अप अ विंडिंग स्टेयर, वो जो साइड में जो स्टेयर बनी हुई है, सीढ़ियां बनी हुई हैं, वो जो हवादार सीढ़ियां हैं, वो जो बढ़िया सी सीढ़ियां बनी हुई हैं खूबसूरत, जो गोल गोल घुमावदार जो सीढ़ियां हैं, वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ मेरा रूम जाता है, ठीक है। विंडिंग मींस होता है घुमावदार। एंड आई हैव मेनी क्यूरियस थिंग्स टू शो When you are there, और मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। Curious things का मतलब होता है बहुत eager, मतलब बहुत उत्सुकता से जो चीजें देखी जाती हैं, वो ऐसी ऐसी चीजें, मतलब मेरे पास बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चीजें जिनको तुम देखना पसंद करोगे, बहुत बड़ी बड़ी चीज है। तो इसके रिप्लाई में fly कहती है, ओह नो नो, नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं आना, मुझे नहीं आना। Sir, the reply, to ask me is in vain. उससे जो आवाज आने के लिए पूछ रहे हैं वो बेकार है, वेन है, वेन मींस होता है बेकार, किसी चीज का नहीं। फॉर हु गोज अप योर विंडिंग स्टेयर कैन नेवर कम डाउन अगेन, क्योंकि हमें सुना है जो भी आपके उस घुमावदार सीढ़ियों पर से गया, ऊपर गया, वो दोबारा कभी वापस नहीं आ, कैन नेवर केम बैक अगेन। ये देखिए रही लाइन, कैन नेवर केम बैक अगेन, दोबारा कभी वापस नहीं आया, नेवर वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। आई हैव विद इन माय पैंट्री, गुड। फिर से स्पाइडर ने फ्लाई को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की और कहा, आई हैव विदिन माई पैंट्री गुड स्टोर ऑफ ऑल दैट्स नाइस, आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी डियर स्वीट स्नोरिंग अप सो हाई। मुझे यकीन है, कहता है कि आई हैव विदिन माई पैंट्री, मेरे जो पैंट्री मैंने होता है किचन या जहाँ खाने पीने का सामान रखा जाता है, गुड स्टोर, मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें रखी है, मैंने बहुत खूबसूरत, मतलब बहुत सारी चीजों का स्टोर रखा हुआ है, खाने पीने की बहुत सारी चीजें वहां पे स्टोर नहीं है, स्टोर है। आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि यू मस्ट बी वेरी, तुम बहुत थक गई हो डियर, बहुत थक गई हो, विद स्नोरिंग अप सो हाई, क्योंकि काफी देर से आप जो है फ्लाई कर रही हैं, स्नोरिंग अप सो हाई, बहुत देर से आप ऊपर की तरफ उड़ रही हैं, इसलिए मुझे लग रहा है आप बहुत थक गई होगी। विल यू रेस्ट अपॉन माय लिटिल बेड, अरे आओ मेरे लिटिल बेड पर आओ, तो क्या मेरे लिटिल बेड पर आकर के रेस्ट करना चाहोगी, बहुत खूबसूरत, बहुत मुलायम गद्देदार है, ठीक है। एंड द स्पाइडर सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई, स्पाइडर ने फ्लाई से कहा, देयर आर प्रीटी कर्टेन्स ड्रॉन अराउंड, चारों तरफ खूबसूरत खूबसूरत पर्दे लगे हुए हैं, शीट्स आर फाइन एंड थिन, जो अलग अलग पर्दे हैं ना, जो
लगे हुए हैं, जो शीट्स हैं, जो बेड पर जो शीट्स लगी हुई हैं वो बहुत ही मुलायम और पतली है, बहुत ही खूबसूरत है। एंड इफ यू लाइक टू रेस्ट अ वाइल, और जब आप एक बार रुकोगे आराम करने के लिए, आई विल स्नगली टक यू इन, मुझे यकीन कि आप जैसे ही बेड पर मेरे बैठोगे बहुत आपको आराम मिलेगा। स्नगली मीन्स होता है आरामदायक, कंफर्टेबल। टक मतलब कि अपने आप को गिरा देना या बैठा देना या कहीं पर रख देना। यू इन, जब आप वहां पर बैठोगे, मेरे बिस्तर पर बैठोगे, तब आपको लगेगा बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही मुलायम जगह पे आप बैठे हो। और जैसे कहते ना, किसी को धक्के मार के गिरा देना और बैठना बड़ा आरामदायक गद्दा होता है, उल्टा लेट करके से गिरता है आदमी बिस्तर पर, तो वहीं पर उस पर रह जाता है। ओ नो नो, सिट द लिटिल फ्लाई, नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे उसमें नहीं आना है। क्योंकि आई हैव ऑफन हर्ड इट सेड, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों से कहते हुए सुना है, दे नेवर नेवर वेक अगेन हू स्लीप ऑन योर बेड, क्योंकि वो दोबारा कभी कभी नहीं जागे। देखो नेवर नेवर दोबारा, वो कभी कभी नहीं जागे दोबारा जो तुम्हारे बेड पर सोए हैं। देखिए बच्चों, ये छह स्टैंजा की पोएम है, लगभग साढ़े छह स्टैंजा मान लीजिए, तो कोशिश करेंगे इसको दो पार्ट में हम करने के लिए। तो लास्ट स्टैंजा जो आज हम एक्सप्लेन करेंगे वो ये है, सिट द कनिंग स्पाइडर टू द फ्लाई, जो चालाक स्पाइडर था वो फिर से कोशिश किया, ठीक है, उसको अपने जाल में फंसाने के लिए कहा, डियर फ्रेंड व्हाट कैन आई डू, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, टू प्रूव द वार्म अफेक्शन आई हैव ऑलवेज फेल्ट फॉर यू, जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ, हमेशा मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ, तुम्हारी तारीफ करता हूँ, बताओ मैं ऐसा क्या करूं तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा हो जाए। आई एम श्योर यू आर वेरी वेलकम, विल यू प्लीज टू टेक अ स्लाइस, मुझे यकीन है तुम्हें अच्छा लगेगा, प्लीज आओ, आपका स्वागत होगा, आओ प्लीज। देखो एक स्लाइस का टुकड़ा ले, मतलब एक स्लाइस ले लो, एक टुकड़ा तो ले लो, जो फल का टुकड़ा है, जो भी चीज है उसके पास, एक टुकड़ा तो ले लो, है ना, खा लो प्लीज। ओह नो नो, सेड द लिटिल फ्लाई, काइंड सर दैट कैन नॉट बी, लिटिल स्पाइडर ने कहा। तो फ्लाई ने कहा, नहीं नहीं नहीं, काइंड सर प्लीज, आप बहुत दयालु हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आई हैव हर्ड व्हाट्स इन योर पेंट्री, मैंने सुना हुआ है आपके किचन में क्या है, आपके जहाँ खाने के इंतजाम होता है, जहाँ खाने के ढेर लगे हुए हैं आपने इकट्ठा किया हुआ, मुझे पता है वहाँ क्या है, क्योंकि वहाँ पर जो है दूसरे क्रिएचर्स की हड्डियाँ होंगी, मतलब बोन्स होंगी, तो किसी दूसरे फ्लाई की पंख उड़ रहे होंगे, आँख निकली होगी, इस तरह से पूरा बेड पे लगा होगा। एंड आई डोंट वांट टू बी स्टोशी सी, और मैं उनमें से किसी भी चीज़ को नहीं देखना चाहती। तो आज के लिए इतना काफी है, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट, ठीक। तो तीन स्टेंजा हो गए हैं लगभग, तीन और स्टेंजा और फोर लाइंस और आपकी लास्ट में बचेंगी, जो कि कंक्लूडिंग लाइन है फोर, लास्ट की फोर लाइन, जिसमें वो एक लेसन देते हैं बच्चों को हॉबिट। तो आज के लिए इतना काफी है, तो बताइएगा, और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।